क्या बात है तल्ला भाई, हैं? क्या वॉक पकड़ी आपने, क्या चाल है आपकी। किसी भी काम को सीखने के लिए मट्टी के साथ मट्टी होना पड़ता है, तब जाकर आप कुंदन बनते हैं। जिब्रान भाई सुन लो, मिट्टी हो जाओ मिट्टी। सेम टू यू। रशीद भाई, आपने हम सबको बहुत मोटिवेट किया है, थैंक यू। आप जैसे फनकारों की वजह से आज शोबिज की रौनकें बहाल हैं। ओलो की डंगर चार देने के दू बंदे चार दिया बंदे फिटे मुंह है तो आड़ा हले रगड़ी नहीं सवेर दा गला सुख के लकड़ हो गया मेरा डोरा मैनू दे ओ। आलो जी डोरा ते डोरे जाओ। कलेजे विच ठंड पा दित्ती हूं सारी गर्मी खिंच ली सू। दरअसल ना मैं भांगे च मैग्नेटिस घोट के पाया सी। मैं कह जी चाचा कह दू मैंने तू गल ते दसो। ओ पूछो। ये गरीबा नू शाही नशे के तो लगे ने। ओ गरीबा जे दिल जो शाही होंदे ने। वाली गल है जी, वाली गल है। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। कमाल कर दिया भाई, कमाल कर दिया आपने रशीद भाई। क्या बात है चाचा कैदू की। हाँ वैसे रशीद भाई, आप अपनी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ कहना पसंद करेंगे? मतलब आप लोग इस कॉपी को एक्टिंग कह रहे हैं? कॉपी? जी हाँ। नहीं रौनक भाई, मैंने स्क्रिप्ट बड़ी मेहनत से याद किया, बैठ बैठ के, लेट लेट के, लटक लटक के, भाग भाग के, पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था खाली समंदर में पत्थर मार रहा हूँ। और फिर मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और हीर रांझा लगाकर कैदू का बगौर मुताला करता रहा। यानी कि जो तालियां आप लोगों ने अभी मेरे लिए पीटी है, असल में वो नजीम फनकारों के लिए थी। और तालियां उनके लिए। एक काम करो। जी सरकार। गार्ड्स को एडवांस तनख्वाह दे दो। जी बेहतर। और उनसे कहो कि जब जरूरत होगी तो उन्हें बुला लेंगे। जी सरकार। हेलो। क्या हाल है? तुमने बताया नहीं कि तुम वहां गई थी कि नहीं? मैं गई थी वहां पे सजावल, मैंने ऑडिशन भी दिया है, बट आई डोंट नो, मुझे लगता है कि वो लोग मुझे सेलेक्ट नहीं करेंगे। चलो कोई फिक्र करने की बात थोड़ी है, जो होगा अच्छा ही होगा। सजावल, तुम्हारे भाई का कोई जवाब नहीं आया कि वो कब वापस आ रहे हैं। तुम बस तैयार रहना आज रात, हम मिलेंगे। और अपने घर पे बता देना कि तुम आज अपनी सहेली क्या रुकोगी। मुझसे रोज रोज ये नहीं हो सकता यार, इसकी वजह से मेरी पोजीशन खराब हो रही है, अगर किसी को शक हो गया फिर। अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा ना। तुम अभी सिर्फ तैयार है ना, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, जब आऊंगा तो तुम्हें फिर कॉल करूंगा, ठीक है? ओके बाय। ओ एक मिनट, ये किसकी कॉल है? ओ सजावल साहब का फोन आ रहा है, एक मिनट। हेलो। कहाँ हैं भैया, मेरे आते ही नहीं आप सर। और मैं यहाँ आपका एडमिशन के मामला देखने में मसरूफ था, और आपको एक्टिंग में इंटरव्यू कराना है, हैं? बस दो दिन से भाई साहब आए हुए थे, तो उन्हीं के साथ थोड़ा मसरूफ था। आप बताओ क्या हो रहा है? और कुछ नहीं, हम तो यहाँ एकेडमी में है, थिएटर में रिहर्सल चल रही है। चलो ठीक है, फिर मैं आता हूँ, होती है मुलाकात। आओ आओ, जम जम आओ, खुल के आओ, है? रशीद तल्ला आपको गेट पे रिसीव करेगा इंशाल्लाह। ओके जी। और जी सजावल साहब आ रहे। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही, सजावल एक्टिंग क्यों करना चाहता है? वो हमारे साथ एक्टिंग करेगा। अगर उसका एक्ट करने का दिल करना चाह रहा है तो कर ले वो एक्ट। हाँ लेकिन इन्वेस्टर है तो मुझे लगता है उसको इन्वेस्टर ही रहना चाहिए ना, एक साथ ये दो दो चीजें। तुम क्यों इतना टची हो रही हो? अगर वो करना चाह रहा है तो करने दो। टची नहीं हो रही, कंसर्न हो रही थी। अच्छा एनीवेज, क्या बने स्टोरी का, कब तक कंप्लीट होगी? स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट इंशाल्लाह आज रात को मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। ओए दादू कैसे हैं, कैसी तबीयत है उनकी? मैंने पूछा ही नहीं। दादू बिल्कुल ठीक ठाक,
इतना कंसर्न शो कर रही हो, कॉल करके पूछ लो। तुम नहीं मुझे बताओगे कि मैंने दादू को कब कॉल करनी है, मैं कर लूंगी, सिखाओ मत मुझे। तुम तो बता सकते हो ना कब क्या करना है। अच्छा जाओ तो। ओ हाय, मैं दादू। ओ माय यार, वो मोहसिन और नवीद को सामान बोला था ना, वो ले आए। ग्रेट, कहाँ रखा है? स्टूडियो में, और तरला भाई गए हैं गेट पे सजावल को पिक करने के लिए। ठीक है, कैफे जाके मिलते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम दादू, कैसे हैं? मैं ठीक नहीं हूँ। ठीक नहीं है तो दादू, रौनक ने तो कहा था कि आप बिल्कुल ठीक है। अरे रौनक को क्या पता कि घर में क्या चल रहा है, उससे मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है। क्या हुआ है आपको? मुझे मुझे दो दिन से शदीद जुकाम है। बदपरहेजी की होगी आपने, है ना? नहीं, बदपरहेजी तो कुछ नहीं की मैंने। फिर किस वजह से जुकाम हो गया दादू? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? दादू मेरी वजह से जुकाम कैसे हो सकता है भाई? वो तुम जो घर पे आई थी और अपनी खुशबू छोड़ के गई थी, उसकी वजह से। दादू और क्या, सच कह रहा हूँ। मेरी एक दिन घर रहने की वजह से आपको जुकाम हो गया, सारी जिंदगी के लिए आगे तो मास्क के डब्बे खत्म हो जाएंगे। अरे तो बेटा जी, फिर तो आदत हो जाएगी ना इस खुशबू की। अपना बहुत सारा ख्याल रखें दादू, क्या करते हैं आप? बस करो, दादू को पकाओगी क्या? फ्री होके कैफे आ जाना। दादू मैं फोन रखती हूँ, ये ना कि रौनक हार्ट अटैक आ जाए जान के। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, जीती रहो। ओए सड़ियल, कुछ नहीं देख सकते मुझे। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए जनाब, हुक्म कीजिए, हम सारे सुन रहे हैं। अरे नहीं नहीं, हुक्म नहीं है, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जी जी कहें। क्योंकि अब मैं आप लोगों की बरादरी का हिस्सा बन चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे आप ना कहा करें, और हमारे बीच में जो पैसों की एक दीवार खड़ी हुई है उसे अब गिरा देना चाहिए। दोस्त बनने आया हूँ और बनाने भी आया हूँ। वैसे ही आप लोगों को मैंने तकलीफ दे चुका हूँ, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। नहीं, माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं है। आपकी जगह पे खुद को रखा तो समझ आया, आप अपनी जगह पे ठीक है, हम अपनी जगह। अब सारी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी है, अब हम दोस्त हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। तुम फिर तमीज बांध रहे हो। नहीं नहीं, तमीज नहीं है, बस एक रिक्वेस्ट है। खड़े क्यों हो, बैठ कर बात करो ना। तुम करो जो तुम्हें बात करनी है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। लो, क्या कर सकते, जब बंदे ने खुद ही तय कर लिया हो कि उसे वेलने में सर देना ही है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। वैसे हमें आपस में एक दूसरे के नंबर्स एक्सचेंज कर लेने चाहिए, अच्छा इससे जान पहचान बढ़ेगी थोड़ी। हम एक काम कर लेते हैं, आप हम सबको अपना नंबर नोट करवाएं, हम आपको मैसेज कर देते हैं। हाँ प्लीज, 0321। आप डबल टू की बात क्या है? 222। थैंक यू। वैसे मैं गुलबर्ग की तरफ से आता हूँ, तो अगर आप में से किसी ने ड्रॉप होना है तो मैं उनको ड्रॉप कर सकता हूँ। अरे वहाँ तो नताशा भी रहती है। हाँ तो नताशा से पूछ लो, साथ चली जाएगी, अच्छा है, है? नहीं ऐसा कुछ वो नहीं है, मैं आउट ऑफ द वे भी जा सकता हूँ दोस्तों के लिए। जिब्रान हम चलें, देखें मोहसिन और नवीद ने क्या काम किया है। हाँ चल। अच्छा वैसे मेरे लायक कोई अगर और कोई काम तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। नहीं नहीं, आप लोग गपशप करें, उतरे की मुलाकात। ओके टेक केयर। कुछ ही दिन हुए हैं, अभी अभी ज्वाइन किया है मैंने नया नया। हम बहुत पुराने हैं। चलें जी, मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। वैसे अगर किसी को ड्रॉप चाहिए मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। नो थैंक यू, आई गेस नताशा ही आपके रास्ते में आती है, तो यू कैन आस्क हर। चलें इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।